सोनीपत में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन को लेकर पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल करवाया गया, जहां फाइनल रिहर्सल के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और वहीं 15 अगस्त को सोनीपत में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और सोनीपत की पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। रिहर्सल किया गया है, किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर क्या विशेष रहने वाला है इस स्वतंत्रता दिवस में? देखिए, इस बार जो 15 अगस्त 2023 मनाया जा रहा है उसमें हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल जी इस बार सोनीपत में चीफ गेस्ट के रूप में पधारेंगे। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारी परेड जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सब बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर ली गई है और यही आशा है कि 15 अगस्त को हम धूमधाम से हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त की सभी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और सभी सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम की आज फाइनल रिहर्सल हुई है। सोनीपत पुलिस लाइन में फाइनल रिहर्सल के दौरान 8 सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे और वहीं फाइनल रिहर्सल में महिला पुलिस, होमगार्ड के जवान, एनसीसी विंग, रेड क्रॉस, भारत स्काउट समेत 11 प्लाटून ने कदम ताल के साथ बेहतरीन रिहर्सल प्रस्तुत किया। वहीं हिंदुस्तान स्काउट्स की 11 टुकड़ियां भी शामिल की गई हैं। सत्य खबर के लिए सोनीपत से राम सिंह मार्क रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।